अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। संडे फंडे ज़बरदस्त सा अच्छा सा हल्की हल्की ठंड के साथ स्टार्ट हुआ है और मौसम ने फिर करवट ली है। कराची वाले इस मौसम के आदि हैं क्योंकि कल रात बहुत तेज़ बारिश अचानक से हुई और बहुत देर तक होती रही, जिसकी वजह से मौसम में हल्की सी ठंडक दोबारा से आ गई है। इसी वजह से हमने मौसम को अवेल करते हुए ज़बरदस्त सी एक डिश बनाने जा रहे हैं और संडे लंच में अच्छा सा खाना खाएंगे, मज़ेदार सा, और वो है हड्डियों का सालन। लुक लाइक का पाए जैसा होता है, टेस्ट भी वैसे ही होता है और बहुत मज़े का होता है। हम लोग के यहाँ बहुत फेवरेट है और मौसम तो अभी इन्हीं चीज़ों का है खाने का, तो हमने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो हमने सोचा कि अपना संडे आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान कैसा होने जा रहा है। संडे का फैमिली टाइम है, सब बैठ के मिल के खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से लंच की तैयारी करते हैं। जी फ्रेंड्स, आ गए हैं किचन में और तमाम मसाले हमने हड्डियों में मिला दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त पाए की हड्डियां भी इसमें शामिल हैं, बहुत गूदा है। और बस इसमें हमने घी भी एक चमचा डाल दिया है और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मीडियम से स्लो आंच में पकाया जाता है ताकि हड्डियां जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएं। और इसमें जायका भी जब ही आता है जब ये बहुत ज़्यादा पकी हुई हो। और अब हमने रख दिया है और नाश्ता करते ही हम कुकिंग के लिए चले जाते हैं। लंच तक हमारी इस तरह की जो ख़ास आइटम्स होते हैं जिसको पकने में टाइम लगता है वो हमारे 3 से 4 घंटे में रेडी हो जाते हैं। और ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी हद तक ये हमारी हड्डियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं और फाइनली लुक हम दिखाएंगे क्योंकि रेसिपी अपलोड है। और जल्दी से हम आपको अपने दस्तरखान का लुक दिखाते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतवार का दस्तरखान, स्पेशल डे, स्पेशल दस्तरखान, हड्डियों का सालन बहुत ही यमी सा, साथ ही तंदूरी रोटी, फ्रूट्स हैं इसमें और चपाती भी है, बहुत ज़बरदस्त है, साथ में सलाद है। और हमारा फेवरेट दिन और फेवरेट लंच हमारा होने जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी प्रिपरेशन अच्छी लगी होगी, हमारे संडे और फ्राइडे के लंच और हमारे दस्तरखान अच्छे लगे होंगे। आपसे चाहूँगी इजाज़त नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।